नर्स, केवीएस में पेडागॉजी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही तो आपके दूसरे टॉपिक्स भी है ना। हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स को लाया है जिसमें आपके बहुत सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाते चलो और देखो लास्ट में कमेंट करके बताओ आपने कितना सही किया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इतना मेरे में कैपेसिटी है, इतना मैंने कवर कर लिया है। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो, कम टाइम है लेकिन बहुत आराम से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग ईवीएस से लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकृति का सफाई कर्मी नेचुरल क्लीनर किसे कहा जाता है? ऑप्शन केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या बाज, मीन्स अर्थवर्म हो गया, ऑस्ट्रिच है, गिद्ध है या बाज। तो ये कहलाता है गिद्ध, क्लियर है। गिद्ध को हम लोग प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं क्योंकि गिद्ध क्या करता है, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो भी है उसको कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर लेता है। तो पृथ्वी क्या होती है, हरी भरी, मतलब देखने में अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोग गिद्ध को नेचुरल क्लीनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चिराओ नृत्य, चिराओ डांस जो है वो कहाँ का है? पंजाब का है, असम का है, मिजोरम का या फिर केरल का? तो पहले चिराओ नृत्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। देखो ये आपका बेसिकली फसल की कटाई से जानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फसल को काटा जाता है और जब फसल पक गई, उसकी कटाई हुई, तो फसल को पीठ पर लाद कर लोग घर लाते हैं। ये इससे रिलेटेड सब कुछ आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, इसका टेंशन मत लो। उसके बाद क्या हुआ कि जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, क्लियर है, ये चिराव की बात हो रही है। और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन है कि पंजाब, असम, मिजोरम या केरल? तो ये है आपका मिजोरम, ठीक है। पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है जब फसल की कटाई होती है, असम में बिहू, मिजोरम में चिराव और केरल में क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस से देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, मतलब इको फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, इकोलॉजी का या इकोसिस्टम का दुश्मन माना जाता है जिसको? पहला नीम, बबूल, पीपल या यूकेलिप्टस। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है आपका यूकेलिप्टस। और इसको बताओ पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, क्वेश्चन में अगर पूछ जाएगा कि पर्यावरण का आतंकवादी कौन वृक्ष को कहते हैं, तो वो होगा यूकेलिप्टस। अब ऐसा क्यों भाई, इतना इससे क्या दुश्मनी? वो इसलिए क्योंकि ये जल को अवशोषण कर लेता है बहुत तेजी से, मतलब जिस भी जगह पे इसको आप प्लांटिंग करोगे, जिस भी जगह पे यूकेलिप्टस लगाएंगे, तो वहां की मिट्टी से पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां की मिट्टी क्या होगी, धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोग पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं यूकेलिप्टस को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बाघ परियोजना से, पादप प्रजनन से, पादप संरक्षण से या हाथी परियोजना से? ये दो तो ऐसे ही खत्म हो गए। देखो ये क्या हुआ था कि सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रखें, इससे रिलेटेड है चिपको आंदोलन से। क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग आए पेड़ों को काटने के लिए, तो वहाँ के जो भी लोकल पीपल्स थे, जो भी थे, वो लोग क्या कि एक एक पेड़ को चिपक के खड़े हो गए। वो बोलते हैं ना कि तुम्हें जाना है तो मेरी लाश पर से होकर गुजर जाओ, ऐसी वाली डायलॉग्स होती हैं। तो सेम चीज़ था कि काटना है, अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले आप हमें काटो, इस तरह वाली बात हो गई थी। तो चिपको आंदोलन क्या हुआ, एक तरह से पेड़ पौधों के संरक्षण की बात हुई, पेड़ों को बचाने के लिए ये एक आंदोलन चलाया गया था, क्लियर है। नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में ट्रांसफर के बाद क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है मतलब नो चेंज, या बढ़ या घट सकती है? तो ये याद रखना, जब भी जैसे कि सबसे पहले सूर्य इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, जो भी आपको एनर्जी देता है, तो पेड़ पौधों को एनर्जी मिली, पेड़ पौधे से क्या हुए, शाकाहारी खाते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, एक में दूसरे से तीसरे में ऐसे जाती है। तो ऐसे होगा तो ऑब्वियस ही बात क्या है, ऊर्जा की जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, वो घटती है। और घटती किस सेंस में है, 10%, याद रखना कि पादप यानी जो पेड़ पौधे हैं उनसे शाकाहारी जीवों में 10% एनर्जी पहुंचती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी एनर्जी घटते जाएगी। तो ईवीएस से रिलेटेड हो गया। अभी चलो हम लोग कुछ करंट अफेयर को देखते हैं। देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग करंट अफेयर के लिए क्या करो, सितंबर से लेके, जो 2022 के सितंबर से लेके अभी मिड जनवरी तक के करंट अफेयर को देख लो, इतना इनफ होगा, उससे ज़्यादा पुराना नहीं पूछेगा। अब एक दो है तो हो सकता है भाई पूछ दे, लेकिन ऐसे तो जनरली हमारा सितंबर 2022 से लेके इधर जनवरी मिड तक पढ़ लेना है। और अभी के करंट अफेयर में सबसे हॉट टॉपिक क्या है, आज
कल वीडियो पोस्ट कल करूंगी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उड़ीसा के जो हेल्थ मिनिस्टर थे है ना, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनकी उनकी मौत भी हो गई उस वजह से। तो ये तो बहुत बड़ा भी करंट अफेयर में एक क्वेश्चन बनता है आपका। और ये कहाँ हुआ, उड़ीसा के झारसुगड़ा में, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन फिर वो नहीं बच पाए। चलो तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि 2023 अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ, रिपब्लिक डे, तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे, शेख मोहम्मद बिन जायद, बोरिस जॉनसन, अब्दुल फतेह अल सीसी या सुकार्नो। ये देखो चारों अलग अलग ऑप्शंस रखा, मेरी कोशिश हो रही है ना कि सारे क्वेश्चंस में आपके ऐसे ऐसे ऑप्शन लाऊं जो कि आपको एक क्वेश्चन बन जाए, समझ रहे हो। वो देखो कैसे, शेख मोहम्मद बिन जायद हैं, ये क्राउन प्रिंस यूएई के हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, तो ये यूएई के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, और ये 2017 में आए थे, 2017 में आए थे। अगले हैं बोरिस जॉनसन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, ये 2021 में आने वाले थे लेकिन जो कोरोना टाइम आ गया तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया था। सुकार्नो है, ये प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के हैं, और ये 1950 मतलब जब भारत की आज़ादी के बाद जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया तो ये फर्स्ट थे, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड करा ताकि आप लोगों को फर्स्ट भी याद रह जाए कि पहले चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे पर, ठीक है। अब बचे यही भाई अब्दुल फतेह अल सीसी, ये प्रेसिडेंट कहाँ, इजिप्ट के यानी मिस्र के, जो कि इस बार चीफ गेस्ट बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन आपके नोट से रिलेटेड हो सकता है, जो इंडियन करेंसी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि कौन कलर का नोट होता है या फिर उस पर कौन से चिन्ह बने होते हैं, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन है, भारतीय नोट 50 रुपये का रंग एवं छपा चित्र क्या है, हरित पीला, एलोरा की गुफाएं, स्टेन ग्रे लाल किला, मैजेंटा मंगलयान या फ्लोरेसेंट ब्लू हम्पी का पत्थर से बना रथ। तो ये देखो हरित, हाँ जो हरित पीला होता है उस पर 20 रुपये में एलोरा की गुफाएं बनी होती है वो हरित पीला कलर की होती है, 500 रुपये के नोट में लाल किला बना होता है रेड फोर्ट, वो स्टोन ग्रे कलर का होता है, 2000 के नोट पे मंगलयान जो कि मैजेंटा कलर का होता है, और जो आपके 50 रुपये जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपके फ्लोरेसेंट ब्लू कलर के होते हैं जिसमें हम्पी का पत्थर से बना रथ होता है। अपने अपने नोट देख के बता दो, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि 200 में कितना क्या बना होता है और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया, जो भारत ड्रोन महोत्सव था 2022 का वो कहाँ मनाया गया, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, लद्दाख या नई दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका मनाया गया न्यू दिल्ली में, क्लियर है। बाकी देखो बाकी ये सब भी आपके महोत्सव है, हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया गया, डोल महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया, और लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, जो सब के सब 2022 में मनाए गए। तो आपको हुआ ना एक ही क्वेश्चन में आपको चार अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चला। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कहाँ है, यानी इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कहाँ बना, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, गोवा या केरल। तो इसका आंसर है केरल, केरल में पहला, इंडिया का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना। हैदराबाद में क्या हुआ है भाई, तो हैदराबाद में इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम बना, ठीक है, खुला हुआ रॉक से मतलब उससे का म्यूजियम बना है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर बना, वहीं गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम बना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है कि अग्निपथ योजना कब लागू हुई, मतलब या कब बनी अग्निपथ योजना, इसके बारे में है ना, अभी लास्ट ईयर ही हुआ था 2022 में कि अग्निपथ योजना में जो भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं जो भी है तो उनको अग्निवीर के नाम से अब जाना जाएगा। तो देखो ये हुआ आपका 14 जून 2022 को, ये सही आंसर है। बाकी जो आपके हैं उसको देखो, निपुण अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसकी वीडियो बनी हुई है, निपुण से बहुत ही हॉट टॉपिक है, मतलब आपके केवीएस में तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि सीटेट में तो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो निपुण आपका 3 जुलाई 2021, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020, है ना, पहली आपकी 68 में, दूसरी 86 में, और ये तीसरी शिक्षा नीति जो कि 34 वर्ष के बाद आई है 29 जुलाई 2020, और 6 अक्टूबर 2021 को पीएम मित्र योजना की शुरुआत हुई थी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग को ज्योग्राफी पोर्शन को देखते हैं। देखो पहला है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहा जाता है, बुध मरकरी को, शुक्र या वेनस को, मंगल मार्स को, या फिर वरुण नेपच्यून को। तो देखो ये कहा जाता है शुक्र को, शुक्र यानी वेनस को। और भी इनसे जुड़ी बातों को देखते हैं, जो बुध है मरकरी वो प्लैनेट का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह मतलब सबसे छोटा प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम का। शुक्र की बात करते हैं जो वेनस है,
इसके बारे में कि इसको सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है, मतलब राइजिंग स्टार जो बोलते हैं, और फिर इवनिंग स्टार ये कहा जाता है शुक्र को, वेनस को। मंगल की बात करते हैं, मार्स ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। वही बात करेंगे वरुण की, नेपच्यून की, तो ये हरे रंग का होता है, ग्रीन इन कलर, क्योंकि उसमें एक ठंडी मिथेन गैस होती है, मिथेन का जो पूरा है ना बादल बना होता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी वोल्केनो नहीं है, एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में या फिर अफ्रीका में? देखो पहले तो हम जानते हैं कि टोटल इस दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्लियर है? और यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को, क्यूबा को, इटली को या फिर फ्रांस को? तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की कहलाती है, तुर्की, जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्की भी बोलते हैं, और इसकी राजधानी अंकारा है, क्लियर है? क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, चीनी का कटोरा इसलिए क्योंकि वहां बहुत मात्रा में गन्ने पाए जाते हैं, मतलब गन्ने की खेती होती है, इस वजह से उसको चीनी का कटोरा बोला जाता है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, यूरोप का भारत, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि यूरोप का भारत किसको कहते हैं, तो इटली को, क्यों भाई, क्योंकि वो भी हमारे इंडिया की तरह कृषि प्रधान देश है, ठीक है? नेक्स्ट है फ्रांस को किसानों का देश या समुद्र की रानी कहा भी जाता है, क्लियर है? अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि समुद्र की रानी किसको कहते हैं, किस देश को किसानों का देश कहते हैं, तो दैट इज फ्रांस, ठीक है? तो आपके यूरोप के मरीज से रिलेटेड इतने सारे मतलब अलग अलग पॉइंट्स भी तैयार हो गए। अब एक और देखो, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, वहीं मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कही जाती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन इज जनगणना से रिलेटेड है, जनगणना जो अभी आपकी लास्ट हुई है 2011 में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब कि पूरे दुनिया में अगर करवाई जाए तो इंडिया का कितना भागीदारी है पूरे विश्व की जनसंख्या में? 18.01%, 19.35%, 20.2% या 17.5%? तो ये है आपका 17.5%। देखो 17 पे खतरा की घंटी बज चुकी है, क्यों, सोच लो कितना ज्यादा, मतलब इंडिया से ऊपर चाइना है, चाइना सबसे ज्यादा, इंडिया कितना पॉपुलेटेड है यहाँ की, यहाँ पूरे दुनिया का वो 17.5% आबादी वाला देश है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15, 33, 79 या 4? ठीक है, तो 15 थी, लेडीज जो फीमेल कैंडिडेट थी उनकी, जो फीमेल मेंबर्स जो भी थी उनकी संख्या टोटल आपकी 15 थी, वहीं 33 अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी, 79 की बात करें तो वो मुस्लिम्स की थी, और 4 है वो सिख की थी, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में हमें राइट टू फ्रीडम की बात कही गई है? तो हम सभी जानते हैं जो भी बच्चे या जो भी लोग हैं भारत के, अगर वो नागरिक हैं तो उनको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका वो बिल्कुल भी कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, और कोई उनकी इस आजादी को, इस राइट को छीन नहीं सकता है ना? पहला 14 से 18, 25 से 28, 19 से 22 या फिर 23 से 24, ठीक है? तो ये है आपका 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। पहला है 14 से 18 समता के अधिकार है, मतलब समानता का अधिकार। फिर आपका जो 25 से 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात है, मतलब अब हर एक सिटीजन, इंडियन सिटीजन एकदम फ्री है, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं या वाट एवर, धर्म से रिलेटेड उन पर कोई तरह की बाधा या कोई तरह की बाध्यता नहीं आएगी, कोई आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, वो फ्री है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, इसमें क्या है, जैसे कि बाल श्रम की बात होगी, किसी तरह से आपका शोषण नहीं किया जा सकता, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप आराम से उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, क्लियर है? चलो अब और चीजों को देखते हैं, कुछ मिसलेनियस को देखते हैं। पहला है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? पहली बोलती फिल्म कौन है? आलमारा, राजा हरिश्चंद्र, माई डियर कुट्टी चातन या झांसी की रानी? तो ये है आपका आलमारा, पहली इंडिया की पहली बोलती फिल्म है। वही राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म है, ठीक है, मतलब सब कोई बस अपने हाव भाव से अपनी चीजों को व्यक्त कर रहे थे, वो वाली बातें थी। माई डियर कुट्टी चातन की बात है, वो पहली इंडिया की 3D फिल्म है,
और झांसी की रानी है वो पहली इंडिया की टेक्निकलर मूवी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन इज भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, मतलब लाइन जो होती है, बॉर्डर्स जो होते हैं, तो उसका नाम होता है ना हर चीज का, तो वो नाम क्या है, मैकमोहन ड्यूरंड रेड किल्फ या फिर 38वीं समानांतर, तो ये है आपका रेड किल्फ, ये ठीक है। मैकमोहन जो है वो भारत और चीन को जोड़ती है, वहीं ड्यूरंड की बात करें तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है, और ये आपके साउथ और नॉर्थ कोरिया को जोड़ती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि राजित रंगनी किसके द्वारा रचित है, एक आपको ऑथर और उसके लेखक के मतलब बुक और उसके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ देखो कल्हन, अलबरूनी, चाणक्य या अश्वघोष, ठीक है। तो राजित रंगनी जो है वो कल्हन द्वारा रचित है, अलबरूनी जो है वो किताबुल हिंद, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, वही अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरितम, क्लियर है, ये चार बुक्स है और बुक्स के द्वारा उनके ऑथर के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल, जो वॉलीबॉल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4, 7, 6 या 9, तो टोटल वॉलीबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, 4 आपके पोलो में होते हैं, 7 वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में होते हैं, वहीं 9 अगर प्लेयर की बात की जाए तो वो खो खो और बेसबॉल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर वॉलीबॉल की बात हो जाए तो 7 हैं। चलो ये देखो इससे रिलेटेड देखो एक पॉइंट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, जो जैन धर्म है उनके अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो पहले याद रखो कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर आए, ठीक है। ऑप्शन देखो महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या अरिष्टनेमी, तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी है, ठीक है। और जो पहले की बात करें तो वो ऋषभदेव थे, 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, और 22वें की बात करें तो अरिष्टनेमी थे, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा सबको एक एक चिन्ह मिला था, एक प्रतीक मिला था, जैसे महावीर स्वामी का क्या है, सिंह, ठीक है। पार्श्वनाथ की बात करें तो सर्प, सांप, ऋषभदेव की बात करें तो सांड, और अरिष्टनेमी की बात करें तो शंख। अच्छा एक चीज़ और कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो है इनकी इनका उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में भी मिला है, ठीक है। अब बात आई है महावीर स्वामी, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ, निर्वाण, देखो ये लोगों की मृत्यु नहीं बोली जाती, निर्वाण कहा जाता है, तो इनका निर्वाण पावापुरी राजगीर में हुआ जो कि आपके बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है, और इनके दामाद का नाम जामिल था जो कि इनके पहले अनुयायी भी बने थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और वही इनके अनुयायी को मतलब जो भी इनको फॉलो करते निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इनको जो ज्ञान का बोध हुआ था, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष के पश्चात, मतलब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, जिम्रिक के समीप, एक जगह का नाम है जिम्रिक, उसके समीप रिजोपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान का बोध हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्लियर है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को। रेड फोर्ट का हीरा महल किसने बनवाया, रेड फोर्ट में आप जाओगे तो वहाँ हीरा महल होगा, वो किसने बनाया, तो बहादुर शाह जफर। देखो इसको एक रिवीजन के साथ साथ अपना टेस्ट क्लास भी बोल सकते हो, इसमें क्या होगा ना, आप लोग बता रहे होगे, आप लोग भी अगर कर रहे होगे मेरे साथ साथ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी आइडिया लग रहा होगा कि अच्छा हम हाँ ये चीज़ मेरा पढ़ा हुआ है, ये चीज़ छूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी टाइम है तो आप कवर कर लोगे। चलो मैथ के एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो भी अभी कराऊंगी वो आपके KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला है कि इससे एक आइडिया लग जाएगा, एक रफली आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एक घनाभ, घनाभ कहते हैं क्यूबाइड को, और घन कहते हैं क्यूब को। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब हाइट, लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट होती है वो 1:2:3 के अनुपात में, इस रेशियो में है, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, लिख देती हूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 1100 cm² है, तो इसका आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है कि एक घनाभ है उसकी लंबाई, इट मीन्स लेंथ दिया हुआ है 1 के रेशियो में, यानी x मान सकते हैं, बी आपका 2x और जो h है वो आपका 3x, ये तो क्लियर है। अब कह रहा है कि इस अनुपात में यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 cm² है, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है,
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है। आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, कहाँ है टोटल सरफेस एरिया? आपका 1100 है, लिख दिया 1100 इज इक्वल टू, 2 की जगह 2, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं 1100 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की जगह आपका एक्स है, बी की जगह आपका 2x है, प्लस फिर अगेन बी की जगह आपका यहाँ पे 2x है, इंटू एच की जगह आपका 3x है, क्लियर है? फिर यहाँ पे प्लस एल की जगह आपका एक्स है और एच की जगह आपका 3x है, क्लियर हो गया? आगे देखो, तो जैसे 1100 है, 1100 लिखाया, 2 गुना करो, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, वेरी इजी। अब हम इसको काट सकते हैं, कितने में कटेगा, 2 5 10, 2 5 10 0, 550 में कटा, तो 550 इज इक्वल टू, काउंट करो, 6 3 9, 9 2 11, 11x स्क्वायर। अभी ये भी कट जाएगा, 11 5 55 0, तो मेरा क्या आ गया, x² इज इक्वल टू 50। तो हम x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू, ये जो पावर होता है वो इधर रूट बन जाता है, √50, यहाँ तक क्लियर है? तो √50 को निकालो, 50 से यहाँ पे, 2 25 से 50, 5 25 25, यानी इसका क्या होगा, 2 × 5 × 5, है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो 5 को रखेंगे और 2 आपके रूट में आ जाएगा, तो 5√2, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5√2। अभी देखो, रेशियो से ही काम लग जाएगा, हम लोगों को वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है कि इसका आयतन बताइए, आयतन यानी कि वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ क्या है आपका एक्स, एक्स यानी कि 5√2, इंटू बी क्या है आपका 2x, 2x × 5√2, ऐसे लिखेंगे 2x, मतलब 2 × x की जगह पे 5√2, 2 × 5√2, फिर आपका गुना एच, एच कितना दिया हुआ 3x, यानी 3 × 5√2, ये हो जाएगा, गुना करो, ये आपका क्या हो जाएगा, 5√2 इंटू 5 × 2 10√2 इंटू 5 × 3 15√2, क्लियर है? अब देखो, हम जानते हैं ना कि √2 × √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 5√2 × 10 × 15 × 2, √2 × √2 दो को अगर तोड़ेंगे तो 1 2 आ गया, बाकी जैसे था उसको सब तो गुना में ही है, तो क्या होगा, 15 × 2 30, इसको जितना सिंपल कर सकते हैं, 5 × 15 × 2 30, √2 √2 बच रहा है आपका, क्या हो गया, 5 3 15 20√2, 1500√2, ये आ गया आपका, देखो 1500√2, समझ में आया? तो इस तरह से अगर इसका बेसिक चीज क्या होता है, सारे फॉर्मूलाज को आप लोग दिमाग में बैठा लो, चाहे क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, ये सब चीजों के अगर आपके फॉर्मूलाज याद रहेंगे, एरिया हो गया है ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया, ये सब चीजें अगर ध्यान में रहेगी तो कहीं ना कहीं आराम से आपके बन जाएंगे। अभी देखो, एक सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन है, ये भी आपका केवीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 81/16, ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, यहाँ 81/16 है, तो 81/16 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 3/2 का पावर 4 लिख सकते हो, 3 3 9 9 3 27 27 81, यानी कि 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 81 आ जाएगा। वहीं 16 की बात करते, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ठीक है? उसके बाद ये आपका हो गया -3/4, ठीक है, यस है, इंटू ब्रैकेट की बात करो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 को 5 9 को 3, ठीक है, ये कितनी बार में, 2 बार में लगेगा, 5 5 25 और 3 3 9, ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगा आपका, -3/2 डिवाइडेड बाय, ये जैसे एज इट इज, 5/2 का पावर -3। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर रहेगा, पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कैसे, देखो, 3/2 ये ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा 4 × -3/4 गुने, यहाँ पे हो जाएगा 5/3, 2 × -3/2 और डिवाइडेड बाई 5/2 -3, क्लियर है? गुना कर दो आराम से, 4 से 4 खत्म हो गया, बचा क्या, -3 गुने 5/3, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या, -3 डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर -3,
यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे पावर अगर माइनस में हो तो अगर हम इसके ऊपर नीचे इसको चेंज कर देते हैं तो ये हमारा प्लस बन जाता है, मतलब कि अगर साइन को नीचे ले जाएंगे तो साइन आपका चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर ले जाओगे प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर नीचे में आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं चेंज करते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं, देखो 2/3 कर सकते हैं, 3 को नीचे ले गए 2 को ऊपर ले गए, जैसे ही किया तो ये आपका प्लस में हो गया, ठीक है, माइनस साइन था तो ये प्लस में हो गया। फिर उसी तरह से ये भी आपका माइनस में, इसको रिवर्स किया तो 3/5 ये 3 हो गया, ये जैसे था 2/5 और ऊपर में क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अब देखो 2 2 4 4 2 8 बटे 3 3 9 9 27 गुना, जबकि ये पहले क्या होता, बॉर्ड मास का काम होता, पहले इसको तोड़ना है, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 9 9 27 डिवाइडेड में 5 25 25 25 125, ये है डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई बन जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाला साइन ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो 5 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 2 2 4 4 2 8, ये हो गया 125 से 125 गया, 8 से 8 गया और 27 से 27 गया, यानी टोटल आपका क्या हो गया 1। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? चलो हम लोग एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपका कोई ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो गया, या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो गया, या फिर आपके कोई रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन या सेटिंग अरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा भी सोच समझ के भी उस चीज़ को आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि यदि सीट का कोड 4321 है और STURM स्टॉर्म का कोड 41675 है तो मास्टर का कोड क्या होगा? वो इसी है, देखो इसमें क्या करना होता है, सीट है SEAT, इसका कोड क्या है आपका 4321, ठीक है, और वहीं STORM स्टॉर्म का कोड क्या है 41675। देखो अगर सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखो कोई आपको कोडिंग कुछ तो ध्यान से आ रहा है, देखो S है, S की जगह पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी S की जगह 4 लिखा हुआ है, समझ में आया? E पे 3 लिखा हुआ, चलो यहाँ ये नहीं है, यहाँ ए में 2 है, यहाँ भी ये नहीं है, यहाँ टी में 1 है, यहाँ भी टी में 1 है। इट मीन्स सबका अपना अपना नंबर का और डिजिट बताया गया कि जहाँ जहाँ पे एस है उसकी जगह 4 होगा, ई की जगह 3 होगा, ए की जगह 2, टी की जगह 1, ओ की जगह 6, आर की जगह 7 और एम की जगह 5 होगा। क्लियर है? तो अब पूछ रहा मास्टर का कोड क्या होगा, तो लिखा मास्टर, एम में STER मास्टर लिखा, एम की जगह पे क्या था, यहाँ पे देखो एम की जगह 5 था, लिखा गया 5, ए की जगह क्या है आपका 2, S की जगह क्या है 4, T की जगह 1, E की जगह आपका 3 है और R की जगह आपका देखो यहाँ पे 7 है, यानी आपका कोड क्या बन गया 524137। ऑप्शन में देखो 524137, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, एक आपको नंबर दिया हुआ 1 2 4 7 11 22, एक सीरीज दी हुई है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 2 4 7 11 नहीं पता 22, दिमाग लगाएंगे तो हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा ना, एक के बाद कितना जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, एक एक दो, दो के बाद कितना जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, दो दो चार, चार के बाद कितना जोड़ रहे हैं, तीन, चार तीन सात, सात के बाद कितना जोड़ रहे हैं, सात चार 11, तो 11 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, यहाँ भी आपकी सीरीज बन रही 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 के बाद 6 हो जाएगा, तो 16 और 6 कितना होता है 6 6 12 1 22, यानी आपके रिक्त जगह पे कितना आ जाएगा 16। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ACEG को आप BDF लिखते हो तो LNPR को क्या लिखोगे, ये सारे आपके KVS के क्वेश्चन है, पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे है ACEG, इसको आप क्या लिख रहे हो BDF, अगर ध्यान से देखो तो क्या है, तो यहाँ पे पहला कोडिंग क्या, ए के बाद इसको पहला वाले में बी लिया, यानी कि आपका एक बढ़ा। और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे बताती हूँ आपको, सबसे इजी होता है सिफी लो रक्स, आप में बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है ये चीज़ देख लो, जहाँ पे भी आपको कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन दे तो सबसे पहले जो भी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं हम सभी जानते हैं, तो 26 लेटर्स के नंबर को याद कर लो, अगर नहीं याद हो रहा तो ये कोड याद कर लो, ये क्या है 3 6 9 12 15 18 और 21, सॉरी यहाँ पे O की जगह 15 है, R की जगह 18 है, U की जगह 21 और X की जगह 24 है। क्लियर
क्लियर है। तो ये कोड अगर याद रहेगा, 3 का मल्टीपल है, 3 का 3 6 9 12 15 18 21 और 24, तो ये वाला कोड आपको याद रहेगा तो किसी को भी पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की जरूरत नहीं हो रही। देखो यहाँ पे क्या है, ए के बाद जो पहला आपका है बी, यानी एक बढ़ा, यहाँ देखो एफ के बाद क्या हो रहा है, जी का क्या बना रहा है, एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, एफ जी, यानी ये वाला कोड क्या हो रहा है आपका, एक माइनस हो रहा है ना। पहला वाला जो लेटर है वो प्लस में जा रहा है, लेकिन ये आपका एक माइनस में जा रहा है। और ये देखो अच्छे से, सी डी ई, यानी ए बी सी, सी के बाद डी हो रहा है और डी के बाद ई हो रहा है। तो वही पूछ रहा है कि एल एन पी आर में क्या होगा। तो एल क्या हो रहा है, पहला वाला लेटर आपका एक बढ़ रहा है, तो एल के बाद क्या होता है, जे के एल एम, एम यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो एम रखते हैं। आर, आर के बाद क्या हो रहा है, यानी ये लास्ट वाला जो एक घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू आर, यानी ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर नहीं हो सकता। और एन पी के बीच में क्या है, सी डी ई, ऐसे घूम रहा है आपका, जे के एल एम एन ओ पी, यानी एन के बाद ओ आया, ओ के बाद आपका पी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आप इस चीज़ को बना सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लो कि यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, यानी कि किसी भाषा में डिवाइड को प्लस लिखा जाता है, माइनस को गुना लिखा जाता है, प्लस को माइनस लिखा जाता है और गुना को भाग लिखा जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन है कि 14 - 4 × 7 / 12 + 8 का वैल्यू क्या होगा। सिंपली क्या करना, जैसे जैसे साइन है, माइनस की जगह क्या लिखा गया है, गुणे, 4 की जगह 4, गुणे की जगह क्या लिखा गया है, भाग, 7, भाग की जगह क्या है, जोड़, 12, और प्लस की जगह क्या है, -8। अभी हम सब जानते हैं कि बॉडमस के रूल पे काम करता है, बी ओ डी एम ए एस, बॉडमस के रूल पे काम करता है, जहाँ पे पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ, ऑफ मतलब गुना, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई के साइन से देते हैं, फिर डी से डिवीजन, भाग का काम होता है, फिर अगेन मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, एंड देन सब्सट्रैक्शन होता है, इसी सीरीज में काम करता है। तो यहाँ पे पहले ये वाला काम होगा, भाग है, तो 14 जैसे लिखा 14 गुने 4/7 प्लस 12 - 8, ठीक है, मल्टीप्लाई का काम होगा, 7 × 14 कितना बचा, 4 × 8 प्लस 12 - 8, 8 में से 8 गया खत्म, बचा आपका 12। देखो ऑप्शन में होगा यहाँ पे 12, ये आपका सही आंसर है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को मैंने लाया, कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, इनकरेज करो। तो अगर कहीं पे मिस्टेक हुई हो समझाने में, या आप लोगों को नहीं समझा पाई हो, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि आप लोगों के लिए जहाँ तक कर सकूँ वो कर दूँ। चलो तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट आपकी पेडागॉजी की वीडियो आ जाएगी। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग, थैंक यू। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कोई सजेशंस हो आप लोगों को कि मुझे कहीं पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसे धीरे 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 सीख रही हूँ आप लोगों को, पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ खुद भी सीख रही हूँ, बट अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये चीज़ और अच्छी हो सकती है, तो आप वहाँ पे मुझे बताओ। और अपने कोई भी डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट करो, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दो। आप लोगों के मैसेजेस को पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।